दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें टेक्निकल यू को, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं ही योगेश, मैं आज आपके लिए आया हूँ कि यहाँ पर गूगल ने अभी अभी गूगल तेज नाम का एक UPI पेमेंट ट्रांसफ़र ऐप लॉन्च कर दिया है। तो मैं आपको बताऊँगा कि UPI पेमेंट ट्रांसफ़र में कौन सा ऐप बेस्ट है या कौन सा ऐप सबसे आगे हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, मैं आपको गूगल तेज़ की कुछ बातें बताता हूँ। सिंपली हमने गूगल तेज़ ओपन कर लिया, तो गूगल तेज़ ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें जो रेफरल मिलता है, रेफरल के बारे में बताता हूँ, पेमेंट ट्रांसफ़र के बारे में बताता हूँ, सारी बातें मैं आपको क्लियरली आज बता दूंगा। तो सिंपली हमने गूगल तेज़ को ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमें पिन डालना होता है, पिन डाल दिया। यहाँ पर मेरा गूगल तेज अकाउंट पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है, तो सिंपली हमने यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं। तो हमें ऑफ़र में जाना है। ऑफ़र में जाने के बाद यहाँ पर रेफरल 51 रुपीज़ मिलते हैं कम्प्लीटली, अगर वो ट्रांजेक्शन कर लेता है। और संडे के लिए एक कूपन मिल जाता है, और एक कूपन रेफरल करने के बाद एक 51 रुपीज़ रेफरल मिलेगा आपको, और एक कूपन मिलेगा। कूपन में 50 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ तक कितने भी मिल सकते हैं। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, हमने अभी पूरा ये देख लिया। और यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए ओनली यहाँ पर पे और सेंड आपके दोनों भी यूज़र साथ में होने चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपके फ्रेंड में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं तो आपके साथ में होना चाहिए अगर आपको पेमेंट भेजना है तो। बट अब हम चलते हैं भीम के पास। अगर आप भीम ऐप के बारे में अगर सोचोगे तो भीम ऐप में आप ओनली पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भीम में अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो वहाँ से भी मोबाइल नंबर से भी पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपके आधार से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन ये है, भीम में आप बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो तेज़ ऐप से अगर देखा जाए तो भीम ऐप बेस्ट है, बट भीम ऐप में कोई रेफरल ऑप्शन नहीं है। है भी तो रेफरल बहुत कम मिलता है भीम ऐप में बस। बट उससे भी बेस्ट मैं आपको तीसरा ऑप्शन बताता हूँ, ये फ़ोनपे जो है, ये बेस्ट ऑप्शन है UPI पेमेंट के लिए। इसमें देखिए बहुत सारे DTH रिचार्ज के लिए भी ऑप्शन है, उसके बाद में बहुत सारे कैशबैक भी हैं, उसके बाद में बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र भी है। उसके बाद में अगर रेफरल की अगर बात की जाए, यहाँ पर अगर हम रेफरल की बात करते हैं फ़ोनपे के साथ में, तो यहाँ पर मैं रेफरल दिखाता हूँ आपको फ़ोनपे का कितना मिलता है। तो एक मिनट, सिंपली माय अकाउंट में चले जाता हूँ। माय अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर इनवाइट एंड अर्न है, तो देखिए इनवाइट एंड अर्न में देखिए कुछ इस तरीके का रेफरल है। 100 रुपीज़ पर रेफरल देता है, अगर आपने किसी को रेफ़र किया तो 100 रुपीज़ आपको मिलेंगे और आपका जो फ्रेंड है उसे 100 रुपीज़ मिलेंगे। अगर वो 5 ट्रांजेक्शन कर लेता है तो उसे 150 रुपीज़ मिल जाएंगे कुछ तो भी। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फ्रेंड को दिया था, मुझे तकरीबन 1500 रुपीज़ की अर्निंग हुई है इससे। और उसके बाद में यहाँ पर कैशबैक अगर देखा जाए तो मोस्टली चीज़ों के लिए 100% कैशबैक है फर्स्ट टाइम में। फ्लिपकार्ट के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है फ़ोनपे। तो अगर देखा जाए तो तेज़ में 51 रुपीज़ ही कैशबैक मिलता है हमें, बट यहाँ पर 100 रुपीज़ मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर कैशबैक भी ज़बरदस्त है, यहाँ पर रिचार्ज इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी बिल पेमेंट के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर बैंक पेमेंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट गूगल में ऐसा नहीं है। गूगल में आप पर्सन टू पर्सन ही पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी अगर वो आपके साथ में है तो, नहीं तो अगर कॉन्टैक्ट सेव है तो। तो यहाँ पर अगर आप कॉन्टैक्ट से भी सेव कर सकते हैं, उसके बाद में बैंक से भी सेंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर ऑप्शन है। बट भीम में एक एक्स्ट्रा फ्यूचर है, भीम में आप आधार कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये तीनों ऐप हैं। तीनों में मेरी तरफ से मुझे तो लगता है कि फ़ोनपे बेस्ट है। आप एक बार फ़ोनपे यूज़ करके देखिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तीन दोनों की भी, गूगल तेज़ की और भीम फ़ोनपे ऐप की। तो कुछ इस तरीके से आप वहाँ से डाउनलोड करिए कुछ उस